रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फरीदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रोहतक में अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। सरकार को इस पर अन्नदाता पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा, जिसकी निंदा करते हुए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार पर आम जनता से बिजली के बिल के साथ सिक्योरिटी बिल लेने के नाम अब उनका खून चूसने में लगी हुई है। पहले से ही आम जनता महंगाई और गैस सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों का भार नहीं झेल पा रही, तो अब वही सरकार बिजली सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें लूटने का काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ है और उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। वही एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार अब बिजली सिक्योरिटी के नाम पर 4 महीने का नहीं 6 महीने का बिजली का बिल पहले मांग रही है, जो कि एक गरीब इंसान नहीं भर सकता। गरीब जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब सरकार ने यह नया फरमान दिया है बिजली सिक्योरिटी के नाम पर, जो कि सही नहीं है। फरीदाबाद के 6 विधानसभा में 5 विधानसभा के विधायक बीजेपी के हैं, उसके बाद भी लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो बहुत प्यार से लगा नहीं मेरा भाई, तो मजाक कर बिजली के भी लोग मैं तो मजे लेते। सर आज बिजली पहुँचे हैं जी, जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे और क्या सारी। देखिए आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो सबसे पहले तो जो किसानों पर लाठीचार्ज उसके विरोध में कि अन्नदाता को ना MSP दे रहे हैं ना उसकी सुनवाई कर रहे हैं और बजाय उसके उस पर लाठीचार्ज कर, तो इसके विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा। दूसरा, जो सिक्योरिटी के नाम पर बिजली उगाही करने जा रही सरकार, खट्टर सरकार ने जो नया कानून बनाया है सिक्योरिटी के नाम पे, पहले इंडस्ट्रियल पे किया, अब आम नागरिक पे किया। आम नागरिक पहले ही बेहाल है, 1 साल से लॉकडाउन जो चला है देश में, लॉकडाउन चलो बंद भी हो गया है लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से भारत की स्थिति खराब है, न केवल भारत की बल्कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में संवेदनशील रवैया सभी सरकारों का है, सबने छूट दी है और यहाँ पर पेट्रोल डीजल गैस बिजली सभी दरों में वृद्धि की जा रही है और वृद्धि से भी आगे जाके कि एडवांस सिक्योरिटी हमें दे दो, अंग्रेजी राज से भी ज़्यादा डकैती ये लोग कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम कांग्रेसी मिलकर ज्ञापन दें। आम जनता लगातार इसका विरोध कर रही है, आप सब इनको फर्क नहीं पड़ता ना, आम जनता की भावनाओं से इन पर फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने लोगों को भ्रमित कर बांट कर अपनी सरकारें बढ़ा ली हैं, उसके बाद लोगों की दुख तकलीफों से इनका कोई सरोकार नहीं है, यही हम चेतना चाहते हैं। इतनी महंगाई उसके बाद जो लगातार ये बिजली की जो लगा अब ये जो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, मीटर फाड़ने तक की नौबत कह रहे हैं, धमकियां दे ना, हम संघर्ष करेंगे जनता के साथ है, ऐसे मीटर नहीं फाड़ने देंगे। सर आज हम सेक्टर 12 पहुंचे हैं, कैसे मुद्दों को उठा रहे हैं बिजली विभाग लगातार जो लोगों पर इस तरह की चीजें थोप रहा है, कैसे आवाज बुलंद करेंगे? नहीं आज देखिए ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने, खास तौर से ये जो बिजली के बिल के नाम पे सिर्फ हमारे फरीदाबाद गुड़गांवा या मैं ये कहूँ दक्षिण हरियाणा के साथ जो एक सरकार ने नई लूटपाट चालू करी है, 4-4 महीने के बिल एक्स्ट्रा लेने चालू करे हैं और वो कहने को 4 महीना है पर वो एक्चुअली में 6 महीने के बिल हैं, जबकि लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 6-6 महीने के बिल एडवांस में दे सकें उनको लेके। और ये जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, चाहे फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हो और कई मुद्दे हैं, उन सबको लेके आज हम सब यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। जनता इस समय त्रस्त है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर उससे, और इस बिजली विभाग इस तरह से जो पेनल्टी लगाने के नाम पर जो जबरदस्ती ये कर रहा है, कितना जायज मानते हैं इसको, सरकार क्या चाहती है, कैसे इनको आम जनता के साथ मिलकर इसको हटाने का हटवाने का काम करेंगे? नहीं सरकार तो ये चाह रही है और ये फरीदाबाद के लोगों को सरकार खास तौर से एहसास दिला रही है कि आप लोगों ने भाजपा को वोट देके बहुत बड़ी गलती करी है। हमारे लोग नहीं समझ पा रहे थे पर सरकार एहसास दिला रही है, 9 विधानसभा हैं इस फरीदाबाद पार्लियामेंट में, मेरे को छोड़ के सारे भाजपा के हैं और सबने ही बीजेपी को जिताया है। ऐसा तो है नहीं जो ये बिजली के बिल की सिक्योरिटी के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, सिर्फ उनसे ही मांगेंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए, ये तो सबसे ही मांगेंगे और ये फरीदाबाद की जनता के साथ घनघोर अन्याय है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।